हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ये मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे बना रही हूँ, जो कि है गेट अनरेडी विथ मी। तो जो है ना, पिछले कुछ दिनों में मैंने यूट्यूब पे देखी कि अनरेडी मतलब मेकअप का जो वीडियो होता है उसके बाद में जो है मेकअप उतारते समय अनरेडी वाली वीडियो बनाते, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये वाला मेकअप आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखा है तो कैसा लगा है बताइएगा। तो ये मेकअप लुक जो है ना, मैंने क्रिएट किया था रात में कुछ 10:30-11 बजे से स्टार्ट किया था मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करना, और पहले बच्चों को सुलाया, खाना वाना खिला के मैंने खाना वगैरह खाया, सारी चीज़ें जो है ना, बच्चे सोने के बाद में जो है जितना मैस फैलाते हैं ना, यहाँ वहाँ खिलौने, ये कुछ खाते हैं वो गिराते हैं, कुछ ना कुछ होता है, सब कुछ उठा उठा के रख के सब कुछ जगह पे करने के बाद में जो है मैं ये वाला लुक शूट करने बैठी थी। एंड लास्ट लास्ट में जो है विवेक का भी ड्यूटी से आने का टाइम हो गया था, तो विवेक आने के बाद में जो है मैंने अपना फाइनल वाला लुक वगैरह लिया, और बस अभी जो मैंने स्माइल किया था ना, तो वही है विवेक की तरफ ही जो है ना मैंने स्माइल किया था देख के। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना अनरेडी वाला अपना जो काम है वो कर रही हूँ। तो जो है ना ये वीडियो जो है मेरे दिमाग में आई हो कि मैं किसी और का ऐसे वीडियो जो है ना मैंने देखी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, नाम नहीं लूँगी मैं, बस बता रही हूँ आपको। तो मुझे अच्छे लगे, बातें भी हो जाती है एंड आप लोगों को दिखा भी देती हूँ किस तरीके से अनरेडी होते हैं करके। तो सोचा मैंने चलो मैं भी बना के देख लेती हूँ एक आधी, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और बातें भी हो जाएगी और मेरी वीडियो के पीछे की जो होती है ना रियलिटी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो विवेक ड्यूटी से आ गए थे, मैंने उनसे कहा खाना गर्म करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खाना खा लूँगा, उन्होंने मेरे लिए वेट किया खाने के लिए, मैंने उनको बताया मेरा खाना हो चुका है, मैं भी उनको वही बता रही हूँ कि मेरा खाना हो गया है, बट अगर आप चाय बना के दोगे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो भाई मैं विवेक को कह रही थी, तो ये कहते कि खाना खा लो, मैंने कहा कि नहीं, मैंने विवेक को खिलाते खिलाते मैं खाना खा चुकी हूँ तो आप खा लो, तो मैं सर्व कर देती हूँ। विवेक ने कहा कि नहीं चलो मैं गर्म करके खा लूँगा और चाय भी बना के दूंगा। तो विवेक फ्रेश वगैरह होके आ गए थे और उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाई, उसके बाद में जो है ना उन्होंने जाके खुद खाना खाया है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी उठा के रख दी है और निकाल के रख दी है, बैंगल्स निकाल के रख दिए हैं, और जो है ना हेयर स्टाइल जो बनाई थी मैंने वो निकाल दी, और अभी जो है ना मेरे सामने सामने के बालों बाल जो है ना न्यू ग्रोथ है ना तो फिर से कर्ली आ रहे हैं, और फिर से मेरा दिल जो है ना बहुत नाराज़ होते जा रहा है। मुझे सिल्की स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है बचपन से, जब से मेरे मतलब समझ में आया है ना लुक के बारे में, बालों के बारे में, तब से मुझे सिल्की स्ट्रेट बाल ही पसंद है, बट मेरे बचपन से ही कर्ली हेयर है, और जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं पसंद, बट अब क्या कर सकते जो है सो है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना साड़ी भी उतार दिया है, ज्वेलरी सब उतार दी थी, बालों को हेयर बेल्ट से टाई कर लिया है, और अभी यहाँ पे बारी आती है मेकअप उतारने की। तो मेकअप में हर बार अलग अलग चीज़ उतारती हूँ, तो अभी जैसे कि विंटर सीजन चालू है और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, आप लोग बताइएगा आपके तरफ कैसी ठंडी चल रही है। हमारे यहाँ जो है ना पिछले 3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है कि घर के अंदर भी जो है ना डबल ट्रिपल लेयर में कपड़े पहन के कंबल ओढ़ के बैठना पड़ता है, वरना बहुत ठंडी लगती है, लिटरली बहुत ठंडी लगती है। तो इस वजह से जो है ना हम भी ठंडी लगती है, इसका मतलब हमारी स्किन भी ख़राब हो सकती है ठंडी की वजह से, स्किन फट सकती है, और जो है ना स्किन का मॉइस्चर कम होता है। तो आप 10 बार मॉइस्चराइज़र तो नहीं अप्लाई कर सकते हो, बट एक मैं आपको बता सकती हूँ कि आप दिन में कम से कम एक बार ऑयल मसाज अपने फेस को ज़रूर दीजिए, आपको जो ऑयल अच्छा लगे, कोई एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं, कोई कोकोनट ऑयल यूज़ करना अच्छा समझता है, या तो फिर ऑलिव ऑयल तो सबसे बेस्ट ही है, बजट में भी है और जो है ना हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा है, बेबी के स्किन के लिए ही ये बहुत अच्छा होता है, तो फिर तो हम तो बड़े हैं, हमारे स्किन के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो मैं क्या करती हूँ ना आजकल विंटर सीजन में कोकोनट ऑयल से जो है ना अपना मेकअप रिमूव करने का ट्राई करती हूँ, ताकि मेरे फेस को हल्का सा मसाज भी मिल जाता है और बिना किसी केमिकल के प्रोडक्ट यूज़ किए बिना मेरा मेकअप जो है ना वो भी उतर जाता है। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है, मैंने हल्का सा मसाज दे दिया, उसके बाद में कॉटन के मदद से जो है ना मैं सब कुछ वाइप कर लूँगी जितना हो सकता है उतना, और देखिए पूरा ऑलमोस्ट मेरा मेकअप जो है वो उतर चुका है, बस काजल को छोड़ के, काजल मेरा मेरा उतरता ही नहीं और उतरा हुआ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और देखिए विवेक की जो है ना चाय बन गई है, तो विवेक से वही कह रही थी कि इतनी जल्दी खाना भी खा लिया क्या, तो वो कह रहे थे नहीं, मैंने कहा अपने लिए क्यों नहीं रखा चाय, तो जो है ना विवेक कह रहे नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, तुमने मेरे साथ खाया नहीं खाया, मैं तो बस चाय नहीं पीऊँगा, ऐसे मजाक कर रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पे हंस रही थी। तो अभी विवेक जो है खाना खाने के लिए चले गए हैं, और मेरा जो है ना मेकअप ऑलमोस्ट उतर गया, और मैं काजल इसलिए नहीं उतारती हूँ क्योंकि दूसरे दिन फेस बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा काजल जो है ना रहता है आंखों में हल्का हल्का सा, तो वो बहुत अच्छा लगता है फेस इस वजह से। तो आप लोग जो है ना ये वाला मेकअप लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था।
तो अब यहाँ पे बारी आती है फेस को वॉश करने की। तो मैं जो है ना बायोटिक का जो है ना फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म पे है तो मुझे अभी नया ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये बायोटिक का जो है ना मिक्स फ्रूट वाला फेस वॉश है, ये बहुत ही अच्छा है एकदम। ज़्यादा फेस उसमें नहीं आता, ज़्यादा फोम नहीं आता है, बट जो है ना एकदम माइल्ड सा फेस वॉश है ये, बहुत अच्छा। और मुझे जो है ना बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दिखा है। तो काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा तो हो ही रहा है कि मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो इस वजह से बायोटिक के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो है ना वही अभी मैं थोड़ा सा अच्छे से मसाज करके फेस को जो है ना फेस वॉश करूँगी, और यहाँ पे जो है ना मेरा नाइट टाइम रूटीन भी जो है ना स्किन केयर रूटीन नाइट रूटीन वो भी हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा जो है वो फेस वॉश हो चुका है, मैंने पानी गर्म करके जो है ना फेस वॉश किया था क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। इसलिए आप देखो मैंने एक नहीं क्या सिंपल वाली टी शर्ट पहन के उसके ऊपर से स्वेट टी शर्ट डाल दी है क्योंकि बहुत जो है ना गर्म है। और स्वेटर वेटर पहन के मैं सोती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और ना ही फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं स्वेटर पहन के। मेरा ऐसा है ना स्वेटर पहन लिया तो फिर चुपचाप एक जगह बैठो या कहीं जाना रहा तभी मैं जैकेट वैकेट डालती हूँ, वरना मुझसे मैनेज नहीं होता, पता नहीं अजीब सा लगता है मुझे इस वजह से। और पीछे जो है ना बच्चे सोए हुए हैं और यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा पीछे इग्नोर कीजिएगा। तो अभी एक जो है ना सेपरेट मेरे लिए एरिया नहीं है कि जहाँ मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, बट सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे बीच बीच में एक एक सिप में चाय का लेती जा रही हूँ, और विवेक जो है ना बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं वो। तो जब भी कभी विवेक फ्री होते हैं ना मैं उनसे ही चाय बनाने के लिए कहती हूँ। और अभी जो है ना इसके बाद में मुझे वीडियो भी एडिट करना था, इस वजह से मैं चाय पी रही हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा 12 12:30 बजे कौन सी बंदी जो है आधी रात में चाय पीती है। बट काम करके मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सर दर्द लग रहा था, आँखें वाँखें दुख रही थी मेरी वाली, क्योंकि 1 1.5 घंटा कंटिन्यूसली आगे जो है ना आप देख सकते हो रोज़ की लाइटिंग में और आज की लाइटिंग में आप लोगों को फ़र्क लग रहा होगा। तो आगे लाइटिंग लगाओ, कैमरा लगाओ, उसके तरफ देख देख के जो है ना मेकअप करो, आपको जो है ना 10 या 12 15 मिनट की वीडियो मिलती है या तो उससे भी कम वाली वीडियो, पर उससे ज़्यादा टाइम 1 1 1.5 2 2 घंटे लग जाते हैं मेकअप के लिए, क्योंकि ऑफ कैमरा भी देखना पड़ता है सब कुछ परफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। इस वजह से तो जो है ना मेरा हेडेक बहुत हो रहा था, और सुबह से काम के चक्कर में बहुत थके जैसा लग रहा था। इस वजह से मैंने चाय पी है, चाय की सिप पीते जा रही हूँ और अपना स्किन केयर करते जा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ, बट अभी 1 2 दिन से मेरा टोनर जो है ना ख़त्म हो रखा है, तो मैं टोनर अप्लाई करती हूँ, अभी नहीं किया है। उसके बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र जो कि है निविया का, निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र जो है ना वो मेरा एकदम फेवरेट वाला मॉइस्चराइज़र है, वही मैं जो है ना हर विंटर्स में यूज़ करती हूँ। तो मैंने उसको लगा के अच्छा सा एक अपने फेस पे जो है ना मसाज दे दिया है। उसके बाद में मैंने स्ट्रॉबेरी वाली लिप बाम लगाई है, मुझे स्ट्रॉबेरी वाली लिप बाम जो है ना बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में मैं जो हूँ ना कोकोनट ऑयल जो है ना वो जो है ना अपने आईब्रोज पे लगा रही हूँ, ताकि आईब्रोज की जो है ना न्यू ग्रोथ आ सके और आईब्रोज जो है ना अच्छे डार्क कलर में रह सके। तो इस वजह से मैंने अपने आईब्रोज को कोकोनट ऑयल लगाया है। उसके बाद में मैं अभी लगाने जा रही हूँ मेरी अंडर आई क्रीम। तो अंडर आई क्रीम जो है ये कोई खरीद भी नहीं है, ये एक मेरी DIY क्रीम है, अगर मुझे फ़ायदा होता है तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। मुझे अभी ऐसा लग रहा है हल्का सा लाइट है मेरी अंडर आई, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो है ना थोड़ा सा चल रहा था फैमिली मैटर मतलब विवेक का और मेरा नहीं, बस ऐसे ही कुछ फैमिली मैटर चल रहा था, तो बहुत टेंशन हो गया था, तो नींद वींद बहुत कम हो रही थी, और नींद कम होने की वजह से और थोड़ा ज़्यादा टेंशन होने की वजह से मेरे अंडर आई जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से जो है ना मैंने ये अपना DIY जो है ना स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा लाइट है मेरे अंडर आई, जो है ना ब्लैक सर्कल कम हो गए हैं, बट अगर फिर भी मुझे अच्छा रिजल्ट अगर लगता है तो मैं आप सबके साथ ये DIY डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो मैंने अपनी अभी अंडर आई क्रीम जो है ना अपने रिंग फिंगर से जो है अच्छे तरीके से जो है मसाज करके लगा दिया है, और उसके बाद में मैं अभी लगाने जा रही हूँ बॉडी लोशन। तो फिलहाल जो है ना मेरे पास ओपल का बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन मैं कोई भी लगाती हूँ, कभी जॉय का लगाती हूँ, कभी ओपल का, कभी निविया का। अभी ओपल का तो फिलहाल अभी लाया है मैंने, इससे पहले मैं निविया या तो फिर जॉय लाती थी। तो मॉइस्चराइजर जो है ना मुझे चेंज करके यूज़ करना अच्छा लगता है, उसका जब अच्छा फ्रेग्रेंस आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा
इसका वाला फ्रेग्रेंस जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अच्छी खुशबू आती है ना, एकदम ऐसा रिफ्रेशिंग सा लगता है मुझे एकदम इस वजह से। तो अभी मॉइस्चराइजिंग हो गई है और अभी देखिए इतना बड़ा ये ट्रे भर के जो पिटा रहा है ना, ज्वेलरी, बैंगल्स और जो है ना जितना भी मैंने मेकअप का प्रोडक्ट निकाला हुआ था ना, वो सब कुछ इस ट्रे में लेके बैठी थी मुझे। अभी मुझे ये सब कुछ लगाना है और अभी 12:21 हो रहे हैं, देखिए 12:21 हो रहे हैं, और अभी अगर मैं सोने जाऊँगी ना तो कल सुबह उठ के मुझे इसमें से एक भी प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे सुबह उठेंगे ना सब कुछ यहाँ वहाँ फेंकना, तहस नहस करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से जो है ना मुझे सारी चीज़ें जो है जगह पे करके ही सोनी पड़ेगी, वरना सुबह उठ के बच्चे जो है यहाँ वहाँ सब कुछ तहस नहस कर देंगे और फिर सुबह मूड ऑफ होगा कि क्यों 10 मिनट निकाल के मैंने सारी चीज़ें जगह पे नहीं रखी। उससे अच्छा है ना कि अभी हम लोग थोड़ा टाइम निकाल के सारी चीज़ें जगह पे रख दे। तो ये जो साड़ी है ना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मतलब मेमोरी शेयर करने चाहूँगी कि ये साड़ी जो है ना ये मेरी साड़ी नहीं है, ये मम्मी की साड़ी है। मम्मी ने मेरी शादी के लिए खरीदी थी, मेरे शादी वाले दिन जो है ना मम्मी ने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी, तो वो अभी इतने डार्क कलर नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने बस मुझे दे दी है साड़ी, तो मैं पहनती हूँ अभी ये। तो साड़ी फोल्ड करके रख दी है। विवेक का भी खाना हो गया है, विवेक पूछ रहे थे कि हो गया क्या तुम्हारा, मैंने कहा कि बस 10 मिनट है। तो विवेक अभी थोड़ी देर तक के लिए हॉल में जाके बैठेंगे, तब तक मैं ये जो है ना मेकअप का सामान ये सारा जो है ना वो जगह पे रखूंगी, और उसी के साथ में जो है ना मैं थोड़ा सा अपने पैरों को भी मॉइस्चराइज करूंगी। विंटर में जो है ना पैरों को मॉइस्चराइज करना, सॉक्स पहन के जो है ना सोना चाहिए, ताकि जो है ना हमारे पैर जो है थोड़े से अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं तो मॉइस्चराइज करके सॉक्स पहन के ही सोती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं अपना सारा मेकअप जो है वो जगह पे डाल रही हूँ, और मेरे जो है ना ड्रेसिंग टेबल में जो है ना बॉक्स है, मतलब कंपार्टमेंट अलग अलग मैंने बनाए हैं, मतलब आई वाले मेकअप के अलग, बेस वाले मेकअप के अलग, नेल पॉलिश के अलग, लिपस्टिक वाले अलग, तो मुझे जो है ना रखने में बहुत ईजी हो जाता है, फटाफट फटाफट उठा के मैं डाल देती हूँ। और अभी जो बड़े बड़े चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी और बैंगल्स और इयर रिंग वगैरह है, वो मैं नीचे वाला ड्रॉल खोलूंगी, तो एक एक उसमें बड़े बड़े मेरे प्लास्टिक वाले बॉक्सेस है, उसमें जो है ना मैं फटाफट से एक एक डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे अपने पैरों को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, और जो भी बचा कुचा सामान था मेरा जहाँ मैं शूट कर रही थी वहाँ से उठा के जो है ना मैं भी रख दूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ होता है मेरा मेकअप होने के बाद में, मेरा मतलब मेकअप वाले दिन का बिहाइंड द सीन वाला सोच लो आप लोगों, मैंने आप लोगों को दिखाया है, मतलब गेट रेडी विद मी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाने की जो है ना वो कोशिश करूँगी इस तरीके की वीडियो।